let it hang, hang. Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Cooking with Aira. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अचार गोश्त बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले हम बीफ लेंगे 1 किलो, 4 से 5 बड़े अदद के प्याज मैंने काट लिए हैं मोटे मोटे, वो डाल देंगे। 1 लहसुन पूरा, हमने जिसमें 5 से 10 जमे होंगे लहसुन के, उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। और इसमें हम नेशनल का अचार गोश्त का मिसाला शामिल करेंगे। मैं थोड़ा सा मिसाला जो है वो बचा के रखूंगी ताकि बाद में मिर्चों की फिलिंग में काम आए। अगर आप मिर्चें नहीं पसंद करते तो मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच बड़े हम इसमें घी शामिल करेंगे। 1/2 जरूरत पानी शामिल करेंगे जिसमें हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए वेट लगा देंगे जी। और इसके लिए मिर्चों की फिलिंग के लिए मैंने मोटी मोटी सब्ज मिर्चें ले ली हैं और साथ मैंने लेमन जूस ले लिया है। अब हम मिर्चों को ऐसे दरमियान में से काट लेंगे। हम अपने अचार गोश्त के मिसाले में 2 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब हम इस पेस्ट को इन मिर्चों के अंदर फिल कर देंगे जिससे ये बहुत अच्छा जायका देंगी सालन में। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी है, हम इसको ड्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हम 1 अदद कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच के बराबर हम लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और बारीक कटी हुई सब्ज मिर्ची। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और साथ ही हम फिलिंग वाली मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त जो बन के तैयार है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त बन के तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।